नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में बात कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 15 तक कंप्लीट हो गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 3x3 का ही था, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक वो थे 2x2 के। तो 2x2 के में तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, 3x3 के आपके 3 क्वेश्चन है इसमें, तो एक मैंने कंप्लीट कर दिया था और 2 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये 3x3 का ही है, इसमें ए इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं सूत्र, वो क्या है, ए बराबर आई ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और इज इक्वल आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए चलेगा 7 में। हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ए का मान पुट किया है 3x3 के रूप में, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आई में। और आई में किस प्रकार से चेंज करेंगे, अगर सबसे पहले हम जो ए 11 है उसको बनाएंगे 1, तो इसमें तो फिलहाल 1 इसमें है ही, उसके बाद में फिर हम नीचे आएंगे इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर -3 है, -3 को हम क्या बढ़ाएंगे 0, क्योंकि i का मान क्या होता है 3x3 में, i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है, क्रम आपके पास में ये रहेगा, पहले हम इस एलिमेंट को बनाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इसको, फिर इसके नीचे आएंगे, और इस प्रकार से इसका ये रहेगा क्रम, और इस क्रम के अकॉर्डिंग आपको ये एलिमेंट आपको बनाने हैं, और लास्ट में बनाओगे ये, ठीक है। इस प्रकार से देखो, सबसे पहले हम चलते हैं A11 पर, तो यहाँ पर तो 1 तो है ही ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ -3 है, -3 को हम बनाएंगे 0, तो 0 कैसे बनेगा, यहाँ -3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और -3 से बनाएंगे हम, तो ये करेंगे हम R2 चेंज R2 प्लस में 3R1, जो पंक्ति R1 है उसको हम 3 से क्या करेंगे गुणा, और R2 में आपको जोड़ना है। तो जब पंक्ति R1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 और -3 क्या हो गया 0, तो इस प्रकार से जिस एलिमेंट को हम बढ़ा रहे हैं उसी पे ध्यान देंगे, पहले -3 है इसको हम क्या बनाएंगे 0, तो ये होगी आपकी संक्रिया R2 चेंज R2 प्लस में 3R1। तो देखो यहाँ पर केवल R2 चेंज होगा, न कि R1 और R3 होगा, तो ये होगा नो चेंज 1 3 -2, और ये हो गया 0, इसको हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं R1 को, तो ये हो गया 9 9 + 0 क्या हो गया 9, और ये हो गया माइनस का 6, तो -6 और माइनस का 5, इसमें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 11, और ये हो गया 2 5 और 0, ये रहेगा नो चेंज। फिर हम चलते हैं इस साइड, इधर भी ये काम करना पड़ेगा 1 0 0, और ये से इसको 3 से कर रहे हैं, तो 3 + 0 ये हो गया 3, ये हो गया 1 0 0 0, और ये हो गया 1, और ये ए चलेगा 7 में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, तो इस 2 को हम क्या बनाएंगे 0, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसमें क्या लगाएंगे R3 चेंज R3 -2R1। हम क्या कर रहे हैं, R1 जो पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति है, उसको हम 2 से क्या करें गुणा कर रहे हैं, और उस 2 से गुणा करके उसको हम क्या करेंगे, जो R3 पंक्ति है उसमें से उसको घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो देखो बच्चों सामने, यहाँ पर ये 1 3 -2 ये तो रहेगा नो चेंज, और ये भी नो चेंज, R2 भी 0 9 -11, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, इसको हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, और इसमें से क्या करें हम घटा रहे हैं, तो ये 2 में से 2 गया तो 0, फिर इसको 2 से क्या किया हमने मल्टीपल, तो यहाँ पर क्या हो गया 6, 5 में 6 गया तो माइनस का 1, यहाँ पर कितना है 2, इसको कर रहे हैं 2 से, तो ये हो गया माइनस का 4, 0 में से -4 गया तो ये हो गया +4, और यही वर्क, यही काम आपको इस साइड भी करना है 1 0 0 3 1 और 0, इसको किससे कर रहे हैं हम 2 से, तो 0 में 2 गया तो ये हो गया माइनस का 2 0, और ये हो गया 1, और ये आ गया ए आपका ऐसे कैसे। अब जब हमने यहाँ पर 0 बना लिया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 1, -1 को हम क्या बनाएंगे 0, तो
तो यहाँ हम बनाएंगे इसको R2 और R3 की R1 की सहायता से, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। तो देखो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटरचेंज करेंगे, या तो इस पंक्ति को या इसको करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर 1 है तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, हम केवल R2 और R3 क्या करेंगे इंटरचेंज। तो R1 R3 इंटरचेंज R2, या इसको R2 इंटरचेंज R3 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या चेंज होगा, R3 बाकी मान नो चेंज, 1 3 माइनस का 2 और 0 माइनस 1 और ये हो गया 4 और 0 9 और ये हो गया माइनस का 11। इसी प्रकार से इस साइड भी यही काम करना है, 1 0 0 और माइनस का 2 0 1 और ये हो गया 3 1 और 0 और ए चलेगा 7। इस प्रकार से हमने क्या किया है, अगर R3 इंटरचेंज R2 किया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 9 है, 9 को हम क्या बनाएंगे 0, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे R3 चेंज R3 प्लस में 9 R2 को हम 9 से मल्टीपल करके और हम R3 में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0। यदि हम इसे R1 से बनाएंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, इसको हम 3 से मल्टीपल करके भी इसको हम 0 बना सकते हैं, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, जो मान हमने 0 बनाया था वो मान क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है, अगर जो मान आपने बनाया है वो काम आपका बिगड़ जाए। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले इसमें ये देखना है अगर किस एलिमेंट किस पंक्ति के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो मैंने क्या किया इसको 9 से मल्टीपल करके और R3 में क्या किया ऐड किया है। तो देखो इसमें केवल R3 चेंज होगा, ये हो गया 1 3 माइनस 2 और ये हो गया 0 माइनस 1 और 4 और यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको 9 से मल्टीपल कर रहे हैं, किसको R2 को, तो 0 × 9 क्या हो गया 0 और 0 में 0 जोड़ दिया क्या होगा इसमें 0 आएगा और ये भी क्या हो गया माइनस 9 प्लस 9 क्या हो गया 0। इसको किससे कर रहे हैं माइनस, ये प्लस में 9 से मल्टीपल कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया आपके 9 × 4 तो ये हो गया 36 किसके हो गए प्लस के और माइनस के क्या हो गए 11, तो ये हो गया आपके पास में 25 किसके प्लस के और इज इक्वल, यही काम आपको इस साइड करना है 1 0 0 और माइनस 2 0 और 1 और इसको किससे करें हम 9 से मल्टीपल करके इसको हम क्या करें इसमें क्या करें ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 18 और प्लस के 3 तो ये हो गया माइनस का 15 माइनस 15 हो गए और यहाँ पर 0 प्लस में 1 हो गया 1 और ये हो गया 9 9 का 9 क्लियर, क्योंकि इसको हम 9 से मल्टीपल कर रहे हैं R2 को और इसमें क्या करें ऐड कर रहे हैं, ये हो गया A। अब चलते हैं यहाँ पर 25 पर, ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। तो देखो 1 हम इससे बना सकते हैं, इसको हम 6 से मल्टीपल करके और इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर वो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बना जाएगा, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये मान क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये मान चेंज न हो या यहाँ 0 रहे और यहाँ भी क्या रहे 0, तो 25 है, 25 को हम 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, अब इसमें क्या करेंगे हम R3 चेंज R3 डिवाइड बाई 25, जब इसमें 25 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1 ही चाहिए, तो देखो R1 और R2 रहेगा नो चेंज, 1 3 माइनस 2 और ये आ गया 0 माइनस 1 4 0 upon 25 0 और ये भी हो गया 0 ये हो गया 1। यही वर्क आपको इस साइड भी करना है, 1 0 0 और माइनस का 2 0 और 1, इसमें किससे करें डिवाइड 25 से, तो माइनस का 15 upon 25 तो ये हो गया माइनस का 3 upon 5 और ये हो गया 1 upon 25 और ये हो गया 9 upon 25 और ये ए चलेगा आपके 7। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए भी प्राप्त कर लिया। अब एक के बाद चलते हैं इस 4 पर, 4 को हमें क्या करना है 0, तो यहाँ 0 कैसे होगा इससे और इससे बनाएंगे, देखो बच्चों सामने आप बना रहे हैं हम किसको 4 को, यहाँ क्या चाहिए हमें 0, तो यहाँ 4 है यहाँ पर क्या है 1 है, इसको 4 से मल्टीपल करके और इसमें क्या करेंगे हम लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं संक्रिया R2 चेंज
आर टू माइनस का आर फोर आर थ्री, इसको हम फोर से मल्टीपल करके फिर इसमें क्या करेंगे आर टू में से हम घटाएंगे, तो यहाँ पर आर वन और आर थ्री रहेगा नो चेंज, वन थ्री और ये हो गया माइनस का टू, और यहाँ पर क्या हो गया जीरो, इसको फोर से कर रहे हैं तो ये जीरो इंटू फोर जीरो हो गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, इसको फोर से करेंगे तो ये भी माइनस का वन ही रहेगा और ये हो गया जीरो, और ये रहेगा नो चेंज जीरो जीरो और वन इज इक्वल। यही काम आपको इस साइड भी करना है, ये वन जीरो और जीरो, और यहाँ पर क्या है माइनस टू है, माइनस टू में से क्या करेंगे इसको फोर से मल्टीपल करके किसको आर थ्री को, और उसमें क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस का टू और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और थ्री इंटू में फोर ये हो गया ट्वेल्व अपॉन फाइव, तो यह क्या हो गया माइनस का टेन प्लस में ट्वेल्व अपॉन फाइव, तो ये हो गया टू अपॉन फाइव, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू अपॉन फाइव, इसको किससे करेंगे भाई फोर से, और इसमें से क्या करेंगे लेस, तो ये हो गया माइनस का फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, और ये हो गया वन माइनस, इसमें से लेस कर रहे हैं फोर से मल्टीपल करके तो ये हो गया थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो ये एलसीएम क्या आ गया ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी सिक्स, तो ये हो गए माइनस के इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, और जो आर थ्री है वो रहेगा नो चेंज, माइनस का थ्री बाई फाइव वन अपॉन ट्वेंटी फाइव और नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ए है ए तो साथ चलेगा, अब यहाँ पर हम जीरो बना दिया, अब फिर चलते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है माइनस का टू है और इस माइनस टू को मैं क्या बढ़ाऊँगा जीरो, और यहाँ पर क्या है भाई वन है तो इसको मैं टू से मल्टीपल करके और आर वन में क्या करूँगा ऐड करूँगा, तो यहाँ लगाएंगे संक्रिया आर वन चेंज आर वन प्लस में टू आर थ्री, यानी थ्री आर थ्री है जो पंक्ति उसको हम क्या करेंगे दो से गुणा करेंगे, और दो से गुणा करके उसको हम आर वन में ऐड करेंगे जोड़ेंगे, तो केवल चेंज क्या होगा केवल चेंज होगा आर वन, तो देखो आर वन कैसे चेंज होगा, इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम आर थ्री को टू से, तो टू इंटू जीरो क्या हो गया जीरो, और जीरो प्लस में वन क्या रहेगा ये तो वन ही रहेगा, और ये भी क्या रहेगा थ्री, आप इसको किससे मल्टीपल कर रहे हैं वन को हम टू से, और माइनस टू में क्या कर रहे हैं ऐड, तो ये हो गया जीरो, क्लियर, बाकी रहेगा नो चेंज जीरो माइनस वन जीरो और जीरो जीरो और वन। यही काम आपको इस साइड भी करना है, हम क्या कर रहे हैं केवल आर वन चेंज होगा, हम आर थ्री को टू से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया वन प्लस में वन माइनस का सिक्स अपॉन फाइव, तो ये क्या हो गया माइनस का वन अपॉन फाइव, फिर इसको टू से मल्टीपल कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया टू अपॉन ट्वेंटी फाइव, और ये हो गया 18 अपॉन 25, क्योंकि इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 से गुणा करके फिर इसमें क्या कर रहे हैं आर वन में ऐड कर रहे हैं, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे ये बाकी मान नो चेंज रहेगा 2 अपॉन 5 माइनस का 4 अपॉन 25 और माइनस का 11 अपॉन 25, और जो आर थ्री है माइनस 3 अपॉन 5 और 1 अपॉन 25, और ये हो गया 9 अपॉन 25, क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखो हमने जीरो बना लिया, फिर हम आते आर टू चेंज आर टू माइन आर टू बटे में माइनस वन है तो इसमें केवल चेंज क्या होगा आर टू चेंज होगा, तो वन थ्री जीरो आर टू में हम क्या कर रहे हैं माइनस वन से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया जीरो माइनस वन था तो प्लस वन हो गया जीरो 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 और वन, और ये हो गया माइनस का एक बटे में पाँच दो बटे में पच्चीस अठारह बटे में पच्चीस, और ये चेंज होगा आपका इसके निशान चेंज होंगे आठ टू के, तो माइनस का दो बटे में पाँच ये प्लस है तो माइनस और माइनस था तो प्लस चार बटे में पच्चीस, और ये हो जाएगा ग्यारह बटे में पच्चीस, और ये भी नो चेंज थ्री बटे में पाँच एक बटे में पच्चीस और नौ बटे में पच्चीस, और ये आ गया ए और यहाँ भी साथ में चल रहा है ए, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये देखो आप, अब देखो ये यहाँ पर थ्री है, थ्री को मैं क्या बनाऊंगा जीरो, तो यहाँ थ्री और यहाँ पर वन है तो हम करेंगे इसमें संक्रिया आर वन चेंज आर वन माइनस थ्री आर टू, क्या करेंगे आर टू जो पंक्ति है उसके जो अवयव हैं उनको हम तीन से मल्टीपल करके गुणा करके और उसमें आर वन में क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो चेंज क्या होगा इसमें केवल चेंज होगा आर वन, और आर टू और आर थ्री रहेगा नो चेंज, तो ये देखो वन
और यहाँ जीरो है, जीरो करेंगे तीन से ये हो गया जीरो, तो एक में से जीरो गया तो ये हो गया वन, और थ्री में से थ्री गया तो जीरो, और यहाँ भी रह गया जीरो, और ये हो गया जीरो वन जीरो 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 और वन। यही काम इस साइड भी करना है। हम क्या कर रहे हैं, आर टू को हम क्या करेंगे, हम तीन से मल्टीपल करेंगे, तो उसको ये हो गया माइनस का टू अपॉन फाइव है, तो ये हो गया माइनस का सिक्स अपॉन फाइव, इसमें से हम क्या करेंगे इसको लेस करेंगे हम घटाएंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मान क्या आ गया एक। ठीक है, फिर इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, इसको हम करेंगे थ्री से, तो ये हो गया बारह बटे में पच्चीस, इसमें से क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस का टू बटे में फाइव। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे हम थ्री से, तो ये हो गया तैंतीस बटे में पच्चीस, अट्ठारह बटे में पच्चीस माइनस तैंतीस बटे में पच्चीस, और ये हो गया माइनस का तीन बटे में पाँच, माइनस का दो बटे में पाँच, बाकी मान नो चेंज रहेगा, चार बटे में पच्चीस, ग्यारह बटे में पच्चीस, और माइनस का तीन बटे में पाँच, एक बटे में पच्चीस, और नौ बटे में पच्चीस, और ये ए चलेगा साथ में। अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर आई प्राप्त हो गया, जब यहाँ पर आई प्राप्त होते ही ये आई प्राप्त होते ही ये जो मान प्राप्त हुआ है चेंज होकर के, वही क्या आपका ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स का मान कितना आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल ये हो गया वन माइनस का टू बटे में फाइव माइनस का थ्री बटे में फाइव, और ये हो गया माइनस का टू बटे में फाइव, और चार बटे में पच्चीस, ग्यारह बटे में पच्चीस, और माइनस का तीन बटे में पाँच, एक बटे में पच्चीस, और ये आ गया नौ बटे में पच्चीस, और ये आ गया थ्री बाई थ्री का, और ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने जो ये सोलहवां था वो हमने कर लिया है, और ये थ्री बाई थ्री का है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रहवां, वो भी आपका थ्री बाई थ्री का ही होगा, और उसमें भी आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स ज्ञात करना है आपको प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ही। ओके।